निकालने हैं तो शोल्डर के लिए क्या किया जाए? ऐसे वाले शोल्डर निकालने हैं। हाँ ब्रो, या लाइक दिस। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं देखिए फिटनेस फिट चैनल को। तो गाइस आज हम बात करेंगे अपने बाइसेप्स के बारे में। तो गाइस सबसे बड़ा रीजन बाइसेप्स ग्रो ना होने का वो ये है आपका डेली बाइसेप करना। डेली बाइसेप कभी नहीं करना गाइस, इससे हमारी जो मसल है वो ब्रेक होती रहती है होती रहती है होती रहती है। अब इतनी मसल ब्रेक होगी तो मसल ग्रो कैसे होगी भाई? तो गाइस जो ये कैमरा मैन है ये हमसे आज पूछेंगे क्वेश्चंस और हम देंगे उसके हंस हंस के आंसर्स। तो पूछिए भाई क्या पूछना चाहते हो मुझसे? तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कई लोगों को मैंने देखा है उनके मैन बूब्स होते हैं, तो मैन बूब्स के ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? मैन बूब्स हटाने के लिए सबसे जो मेन एक्सरसाइज हमारी होगी वो होगी हमारी डिक्लाइन बेंच प्रेस। इससे हमारा क्या होगा, जो नीचे का पोर्शन है इसमें पूरा इफेक्ट आएगा और जो ये हमारे नीचे लटक जाते इनको स्ट्रेट रखेगा। अच्छा ठीक है भाई। भाई हमें अपने शोल्डर निकालने हैं तो शोल्डर के लिए क्या किया जाए? ऐसे वाले शोल्डर निकालने हैं। हाँ ब्रो, या लाइक दिस। शोल्डर निकालने का सिर्फ बेस्ट एक्सरसाइज हमारी होगी शोल्डर प्रेस, जो हमें एकदम कंसंट्रेशन के साथ करनी है और अपना जो माइंड मसल और माइंड का जो कनेक्शन है वो बनाए रखना है। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज लगा लो आप, अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बैठेगा तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अच्छा भाई, मैंने कई लोंडे देखे हैं जिम में, लगे रहते हैं जी तोड़ हड्डियां तोड़ते रहते हैं लेकिन मांस ना चढ़े कर उन लोंडों पर, तो उनके लिए कहा बताए भाई? अरे भाई अभी यार मेहनत तो गधा भी करता है, अभी छोड़ना है तो डाइट मिल जाए भाई। सबसे जो बड़ा रीजन है ग्रो ना होने का बॉडी वो है हमारी डाइट, खाना पीना, देसी खाना पीना से कहते हैं देसी खाना पीना वो। अभी यार बंदा मैंने दो दो हड्डियां तोड़ रहा है, मसल तोड़ रहा है, अब घर आके सुट्टा मार रहा है, कुबेर लगा रहा है, तो भाई ऐसे कैसे बॉडी बनेगी? अच्छा भाई यू सब तो ठीक है लेकिन अखरोट का क्या आज कर जाए? अखरोट लटक जाए जिनके? अखरोट भाई उनका तो यार आर्मी में छोड़ी जाना है यार, अखरोट लग जाए तो यार वो तो अपना कान में छिदवा भाई अपना। नहीं भाई जैसे अखरोट कान में छिदवाने नहीं भाई, जैसे नहीं भाई जैसे ज्यादा जिम मार ले तो नीचे प्रेशर हो जाता है, पानी भर जाता है और ये सब दिक्कत आ जाती है। भाई जिम मारने से कभी पानी नहीं भरेगा नीचे, वो आप गलत एक्सरसाइज करोगे, कुछ गलत ऐसे कर दोगे, गलत डेड मारोगे, कुछ इससे होता है। तो इसलिए जल्दी आप एक्सरसाइज करो तो एकदम सही ढंग से करो, वेट कम लगा लो। तो भाई वो सपोर्टर वोटर कुछ ना पहने? सपोर्टर पहनो भाई, सपोर्टर तो बहुत जरूरी है आपकी डेट में, पर सपोर्टर जब पहनो आप, जब आपको लगता है कि आप थोड़ा हैवी ले रहे हो। अब ये ना यार तुम पहले दिन जिम में जा रहे हो तुम सपोर्टर लगा के जा रहे हो तो फायदा नहीं भाई, इसका हवाबाजी में कुछ ना करा। सीधी बात ये है, अपना लाइट वेट मारो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको लगे आप थोड़ा हैवी मार रहे हो तो बेल्ट लगा लो, अपने जो आर्म्स के होते हैं, अपने जो कलाइयों के होते हैं, वो हथेली के होते हैं, वो सब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप सेफ रहोगे। ठीक भाई। भाई टांगन के लिए बताओ यार कुछ, टांगन को कैसे मजबूत किया जाए? भाई वो तो मेरी खुद नहीं है भाई। क्या और है भाई यू कहा कह दो भाई।